अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ मसूर की दाल। तो ली थी 250 ग्राम मसूर की दाल, जो काली वाली दाल होती है वो, और 100 ग्राम ली थी मैंने लाल दाल। तो दोनों को बहुत अच्छे से वॉश करके एक घंटे से भिगोया हुआ है। तो भिगोने के लिए अच्छे से वॉश करके हमने पानी, मतलब कि जिस पानी में हमने भिगोया है उसी पानी में हमने बनाना है, ठीक है ना। मसालों में लिया है आधा कप इमली, जिसे काफी देर से भिगोया हुआ है। सॉल्ट इज अकॉर्डिंग टू द टेस्ट है। हाफ टी स्पून ली है टर्मरिक पाउडर, एंड हाफ टी स्पून है कुटी मिर्ची, एंड हाफ टी स्पून है रेड चिली पाउडर। तो ये नॉर्मल जो हम स्पून यूज करते हैं उसी से सारी मेजरमेंट है, और डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। अभी लिया है 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो अब सारी ही चीजें हमने प्रेशर कुकर में शामिल कर देनी है। साथ ही में मैं ऐड करूंगी 2 टीस्पून ऑयल। तो देखिए दोस्तों, सारी चीजें बहुत अच्छे से मिक्स कर दी हैं। अब मैंने इसमें 2 विसल लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 विसल्स आ गई थी। तो स्टीम रिलीज होने के बाद मैंने कुकर ऑन लिड हटा दी है, और पानी जितना आपको चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिएगा। अभी लिया है 1 छोटा कप पुदीना, जिसे रफली चॉप कर लिया है। 1 ग्रीन चिली लिया है, इसे भी चॉप कर लिया है। तो अब ये दोनों ही चीजें हमने दाल में ऐड कर देनी है, और सिर्फ हमने 1 मिनट दाल को पकाना है। उसके बाद हमने लगाना है तड़का। तो दोस्तों, तड़के के लिए मैंने लिया हुआ है 8 से 10 कलियां लहसुन की, 1 टीस्पून लिया है क्यूमिन सीड, और 1 टीस्पून मैंने लिया हुआ है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अभी गरम कर लिया है तेल। तो मैंने लिया था 2 टेबलस्पून ऑयल एंड 1 टेबलस्पून क्लेरिफाइड बटर। तो सबसे पहले ऐड कर देंगे गार्लिक। तो देखिए फ्रेंड्स, गार्लिक थोड़ा फ्राई हो गया है। अभी हमने ऐड कर देना है जीरा। बहुत ज्यादा हमने डार्क नहीं करना है, नहीं तो टेस्ट खराब हो जाएगा। बस अब हमने गैस को कर देना है बंद, और अब हम ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो देखिए दोस्तों, तड़का भी हमने ऐड कर दिया है। अब मैं इसको करती हूँ सर्व। एक बार अच्छे से थोड़ा मिक्स कर देंगे इसको तड़का ऐड करने के बाद। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही उम्दा दाल हमारी बनकर तैयार है। बहुत ही जायकेमंद होती है। बहुत ज्यादा पुदीना और इमली ऐड करने से इसका जायका बहुत अच्छा होता है। अच्छा, अभी ना मैंने इसमें हाफ लेमन जूस भी ऐड किया है। आप चाहें तो अभी ऐड करें या खाते वक्त ऐड करें। और क्लेरिफाइड बटर से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मियों में ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने तो साथ में बनाए हैं जीरा राइस, उसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। तो एंजॉय कीजिए। जल्दी ही मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। फी अमानिल्लाह।